सब्सक्राइब कीजिए बांग्ला गुरु यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं बांग्ला यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे नोकिया के एक सेट के बारे में। और इस सेट का जो मॉडल नंबर है ये है 220 और इसका जो RM है ये है 969। और इस सेट में जो प्रॉब्लम है आप तो देख ही सकते हो, इसमें प्रॉब्लम क्या है, सिक्योरिटी लॉक का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जब भी हम सेट को ऑफ करके ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड मांग रहा है, और जब भी हम यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को डालेंगे तभी ये सेट जो है वो यहाँ पे पूरी तरीके से ऑन होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा बेसिकली क्या होता है, जो सिक्योरिटी कोड होता है नोके का 1 2 3 4 5 होता है ना। तो देखिए मैंने डाल दिया, यहाँ पर कोड एरर बता रहा है, तो इसमें कस्टमर ने पासवर्ड तो डाल दिया, यहाँ पर सिक्योरिटी कोड को तो यहाँ पर ऑन कर दिया लेकिन उसका पासवर्ड भूल गया है। तो अगर आपके पास ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा उसी के बारे में मैं आपको बात करूँगा। ठीक है, तो देखिए इसको पासवर्ड को अनलॉक करने के लिए, इस सिक्योरिटी लॉक को कोड जो है यहाँ पे, जो सिक्योरिटी लॉक को अनलॉक करने के लिए आपके पास कोई अगर बॉक्स है तो आप बॉक्स की मदद से कर सकते हो चाहे वोल्कानो हो चाहे मिराकेल या फिर GSM अलादीन का डोंगल कोई भी हो आप उससे कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई डोंगल या फिर कोई बॉक्स नहीं है क्या, तो क्या आप यहाँ पर इस सिक्योरिटी कोड को अनलॉक नहीं कर पाएंगे? हाँ दोस्तों, आप 100% अनलॉक कर पाएंगे और मैं आपको उसी ट्रिक के बारे में बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई डोंगल नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग करने के कोई बॉक्स नहीं है, फिर भी आप इस सेट को कैसे फ्लैश करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि आप मिराकेल या फिर जो GSM अलादीन का जो डोंगल है उसका क्रैक वर्जन निकल गया है। यहाँ पर आप गूगल में सिंपली सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। मैं आपको दिखाऊँगा अपने डेस्कटॉप पर ले जाकर मैं कौन सा क्रैक बॉक्स की बात कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको मेरा डेस्कटॉप पे ले आता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे करना है। तो देखिए इसमें MTK का CPU दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले नोकिया का जो MTK का जो ड्राइवर होता है आपको उसको इंस्टॉल करना है, और उसके बाद कोई भी क्रैक टूल से आप इसको फाइंड कर सकते हो या फिर फ्लैश कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए कैसे करना है वो मैं आपको मेरा डेस्कटॉप पे ले आता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे इसको पासवर्ड को अनलॉक करना है। ठीक है, सो फ्रेंड हमारे डेस्कटॉप में आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे नोकिया का MTK USB ड्राइवर और यहाँ पे GSM अलादीन और यहाँ पे मिराकल बॉक्स लिखवा है। लेकिन ये जो दोनों जो टूल है यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों क्रैक वर्जन का है, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट कर लिया है। और देखिए यही जो यहाँ पे है नोकिया का MTK USB ये RAR फाइल में है, तो मैं इसको यहाँ पे अनजिप कर लिया, जिप में तो मैं इसको अनजिप कर लिया, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके इसको मैं ऐसे नॉर्मल फोल्डर में लेकर आ गया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आपको उसको डाउनलोड करना है और उसको सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देना है। जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे नॉर्मल फोल्डर में आ जाएगा, उसको आपको डबल क्लिक करना है। करने के बाद देखिए यहाँ पर MTK USB सीरियल पोर्ट ड्राइवर लिख के आ जाएगा 86, मतलब ये 32 बिट के लिए ही सिर्फ है। ठीक है, आपको उसको डबल क्लिक करके नॉर्मली जैसे इंस्टॉल करते हैं उसको करना है। मैं यहाँ पे पहले से इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ हूँ तो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखाने वाला हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। आप नॉर्मल जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो जैसे डबल क्लिक करके उसके बाद नेक्स्ट 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 आई एग्री करके, बस आपको उसी तरीके से इसको भी आपको उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, और करने के बाद देखिए आप बारी आता है इस दो टूल का जो मैंने आपको बताया था कि मैं इसको कोई क्रैक टूल की मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए ये तो वर्जन जो है इसका 21.37 का है और ये 2.54 वर्जन का है। तो अगर आपके पास कोई लेटेस्ट वर्जन नहीं है, ठीक है, अगर दूसरा वर्जन का है फिर भी आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक मिराकेल का मेरे पास और एक क्रैक टूल है, जैसे कि इसका वर्जन है 2.27A, अगर इस वर्जन का है फिर भी चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इस डबल क्लिक कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्रैक टूल है कि नहीं है। एक क्रैक है बेसिकली, मेरे पास तो वोल्कानो बॉक्स है। ठीक है, मैं वोल्कानो बॉक्स से भी कर सकता हूँ, अगर आपके पास कोई बॉक्स है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई बॉक्स नहीं है तो आप कोई भी क्रैक टूल से इसको अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर आप फ्लैशिंग करेंगे फिर भी हो जाएगा। मैं आपको फ्लैश फाइल का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको क्रैक दिख रहा है, उसको आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। और मैं कोई क्रैकर नहीं हूँ, मैं कोई भी टूल का क्रैक नहीं करता हूँ, मैं भी इसको सिंपली गूगल से जाकर डाउनलोड किया था और डाउनलोड करने के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर GSM अलादीन जो है क्रैक जो है कनेक्ट हो गया है हमारा, पे इसमें ओपन कर आ गया टूल। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मिराकल बॉक्स 2.54 और देखिए यहाँ पे आ गया लोडर और उसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है कि इसको कैसे क्रैक करते हैं तो आप गूगल में जाकर सिंपली टाइप कीजिए मिराकल बॉक्स क्रैक वर्जन, तो आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। और GSM का अगर आप लिखेंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको तो अभी आ जाता है, बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, आप वहाँ से जाइए, जाकर आपको जहाँ अच्छा लगे आप उस वीडियो को देखिए। यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, आप वीडियो देखिए, उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे आपको लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए हमारा ये भी
जो है मिराकल बॉक्स का जो है वो यहाँ पे ओपन होकर आ गया। देखिए आप चाहो तो मिराकल बॉक्स से भी कर सकते हो या फिर चाहो तो जीएसएम अलादीन से भी कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे जीएसएम अलादीन भी दिखाने वाला हूँ आपको कैसे करना है। अगर जीएसएम अलादीन आपके पास नहीं है तो आप मिराकल है तो आप मिराकल से भी आप कर सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली एमटी के जो टैब है आपको यहाँ पे जाना है और देखिए यहाँ पे बूट सिलेक्ट लिखा हुआ है, आपको इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ से देखिए नोकिया का मिल जाएगा आपको आरएम। तो हमारा जो आरएम था वो था 969, तो देखिए यहाँ पे है 10th नंबर, जो मतलब 10 नंबर पे जो बोर्ड है यहाँ पे देखिए नोकिया का RM6969 लिखा हुआ है, आपको इसको सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे राइट फ्लैश पे क्लिक करना है और यहाँ से फ्लैश फाइल को सिंपली सिलेक्ट कर लेना है और करने के बाद स्टार्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद बैटरी लगा, आप मोबाइल को बैटरी के लगा के रखिए और उसके बाद और यूएसबी को लगा देना है, बट ऑटोमेटिकली बूट भी ले लेगा और आपका सेट फ्लैशिंग हो जाएगा। तो आपका जो है आपका पासवर्ड पिन जो भी है वो निकल जाएगा और एक आता है ऑप्शन यहाँ पे अनलॉक पे आप जाएंगे तो रीसेट कोड लिखा हुआ है, आप यहाँ पे रीसेट कोड को सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कीजिए और फिर से वैसे आपको मोबाइल को कनेक्ट करना है, बस हो जाएगा कोई। तो ये तो हो गया मिराकल बॉक्स के बाद, आप आते हैं मैं यहाँ पे जीएसएम अलादीन क्यों मैं जीएसएम अलादीन की बात कर रहा हूँ। देखिए पासवर्ड वगैरह को अनलॉक करने के लिए जीएसएम अलादीन मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे पर्सनली इसको अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं आपको इसी में से बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे अनलॉक करेंगे। तो देखिए यहाँ से आपको ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे टूल ओपन होकर आ गया, अभी आपको यहाँ पे नोकिया लिखा हुआ है, नोकिया टैब पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मीडिया टेक पे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मीडिया टेक का आईसी दिया हुआ है, आप जाएंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नोकिया के लिए अलग करके ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप मैं चाहूँगा कि आप नोकिया का ऑप्शन पे ही जाइए, ठीक है, नोकिया का जाइए यहाँ पे, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग करके दिया हुआ है। तो नोकिया टैब में जाइए, जाने के बाद देखिए यहाँ पे आरएम आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो हमारा आरएम क्या है 969, तो हम यहाँ पे 969 को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप फैक्ट्री रीसेट लिखा हुआ है, आपको इसको सिलेक्ट करना है और करने के बाद स्टार्ट पर क्लिक करना है और मोबाइल को कनेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे करते हैं, मोबाइल को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था मोबाइल को क्या करना है, यहाँ पे बैटरी के ऊपर खुल के यहाँ पे लगा देना है, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे कर देना है आपको यस, ठीक है, आपको यहाँ पे यस कर देना है और सिंपली कुछ की नहीं प्रेस करना है, आपको यहाँ पे लगा देना है सिंपली यूएसबी को। और देखिए जैसे मैंने लगा दिया आप देख लीजिए यहाँ पे बूट ले लिया, ठीक है, बस आपको इसी तरीके से लगाना है। और देखिए यहाँ पे चालू हो गया हमारा डाउनलोडिंग फास्ट बूट और यहाँ पे देखिए सब हो गया, अभी हमें ए सेट को फॉर्मेट कर रहा है, ठीक है, तो बस आपको इसी तरीके से करना है। और एक बात है, आपको बैटरी को चार्ज में रखना पड़ेगा, 40% तक मेंटेन कीजिए, मैं हर वीडियो में यही कहता रहता हूँ कि आप बैटरी को मेंटेन कीजिए चार्ज, बैटरी चार्ज सही नहीं होता है तो आप जाकर बूटिंग का प्रॉब्लम आता है। अब देखिए हमारा फॉर्मेट हो गया, ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है यहाँ पे, तुरंत हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेट हो गया, अभी आपको मोबाइल को रिमूव कर लेना है यूएसबी को और उसके बाद यहाँ पे प्रेस ऑन करके देखना है। तो चलिए हम देखते हैं उसके बाद क्या होता है, ठीक है। फ्रेंड जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हो गया था हमारा फ्लैशिंग, तो हम क्या करेंगे, अब इसको हटा देते हैं यूएसबी को और पावर अपन की को प्रेस करके हम मोबाइल को कर लेते हैं ऑन। और देखिए हमने ऑन कर लिया, यहाँ पे नोकिया का लोगो आ गया है। और अगर आपके पास कोई अगर ऑन नहीं हो रहा है, आप पावर की को प्रेस कर रहे हो और ऑन नहीं हो रहा है, तो आप एक बार चाहो तो बैटरी को एक बार रिमूव करके लगा सकते हो, ठीक है। बैटरी को खोल लिया, उसके बाद फिर से लगा लिया तो फिर ऑन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ गया वेलकम, और उसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज चाहो तो आप ऑटोमेटिक कर सकते हो या फिर चाहो तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे इंग्लिश कर दिया। और उसके बाद टाइम डेट के लिए पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूँ अभी, ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू कर देते हैं। और देखिए हमारा ओपन होकर आ गया, आप चलिए मैं आपको यहाँ पे सेटिंग पे ले जाता हूँ और मैं दिखाता हूँ, जो दिखा रहा था यहाँ पे सिक्योरिटी का जो लॉक था वो ऑफ हुआ कि नहीं हुआ है। तो देखिए मैंने सिक्योरिटी ऑप्शन में आ गया और देखिए यहाँ पे फ़ोन लॉक सिक्योरिटी देखिए ऑटोमेटिकली बंद हो गया। तो बस आपको इसी तरीके से काम करना है, जैसे जैसे मैंने आपको दिखाया था आपको वैसे वैसे करना है, तो आपका जो नोकिया का 220 सेट का जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है वो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बस इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।